इस वीडियो में चैप्टर फोर के जितने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है आपके क्लास सिक्स के मैथ्स बुक से लिया गया है। सो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, रमेश वेंट टू द मार्केट, रमेश वेंट टू द मार्केट टू बाय पोटैटोज। ही फाउंड अ शॉपकीपर सेलिंग 2.5 kg पोटैटो ₹4.30। रमेश बॉट 15 kg पोटैटो फ्रॉम हिम एंड गेव द शॉपकीपर ₹500 नोट्स। शॉपकीपर गेव बैक अ बैलेंस ऑफ ₹3.50 टू रमेश। ऑन वे बैक होम ही रियलाइज दैट द शॉपकीपर हैड रिटर्न हिम मोर मनी। रमेश वेंट बैक टू द शॉप एंड रिटर्न द एक्स्ट्रा अमाउंट। यानी इस क्वेश्चन में ये हो गया कि रमेश जो है मार्केट आपको पोटैटो खरीदने के लिए जाता है, आलू खरीदने के लिए जाता है, और वहाँ देखता क्या है कि शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, 2.5 kg आलू जो है आपको ₹30 का सेल कर रहा है। यानी 2.5 kg आलू कितने का होगा, 30 kg का। तो रमेश जो है उस रेट के अनुसार 15 kg आलू खरीदता है, और ख़रीदने के बाद रमेश जो है दुकानदार को 500 का नोट देता है, यानी 500 का नोट देता है, और दुकानदार जो है उसे 350 बैलेंस कर लौटाता है। यानी ठीक है, यानी 500 नोट देने के बाद दुकानदार जो है रमेश को ₹350 वापस करता है। ऑन द वे, रास्ते में रमेश को रिलाइज होता है कि दुकानदार ने ज़्यादा पैसा लौटा दिया है। तो आपको बताना है कि वो कितना ज़्यादा लौटाया है और आलू का कॉस्ट क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 kg पोटैटो। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ 2.5 kg पोटैटो इक्वल टू ₹30। यहां दिया हुआ है कि 2.5 kg पोटैटो कितने का होगा, 30 का होगा। तो आपको 1 kg का निकालना होगा। 2.5 kg का मतलब होता है, आप इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2.5 kg मतलब हो गया आपको 5 by 2 kg। ठीक है, 5 by 2 kg। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इक्वल टू पोटैटो इक्वल टू 30 / 5/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 30 × 2/5, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइड है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको यहाँ से काटेंगे, 6 × 5 = 30, यानी रुपीज आपका हो जाएगा 12। यानी 1 kg पोटैटो का कॉस्ट जो है आपको ₹12 का है। यहाँ क्या लिखा जा रहा है, 15 kg कॉस्ट ऑफ पोटैटो। यहाँ लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ 15 kg पोटैटोज इक्वल टू 15 × 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा दे रहे हैं, 15 × 12, 15 × 2 = 30 और 15 × 1 = 15, यानी 081 आपका हो जाएगा ₹180। यानी आपका 180 का पोटैटो हो गया। ओके, यानी इतने रुपए का पोटैटो हो गया आपका। वो दुकानदार जो है, दुकानदार के लिए आपका 180 रुपीज होना चाहिए था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, हाउ मच मनी डिड रमेश रिटर्न टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को वो कितना रुपया रिटर्न करेगा। देखिए, अब क्वेश्चन बी में आते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बी में आपका हो जाएगा, देखिए, कॉस्ट ऑफ 15 kg पोटैटो इक्वल टू 180 रुपीज आपका 180 हो जाएगा।
एंड मनी रिटर्न बैक, रिटर्न बैक इक्वल टू आपका हो जाएगा रुपीज 180 माइनस 150। आपका यहाँ 150 क्यों माइनस हुआ? बिकॉज यहाँ देखिए शॉपकीपर ने आपका 350 रुपीज माइनस किया, मतलब लौटाया है, ठीक है। तो 350 आपका अगर लौटाया है तो इसका मतलब 150 उसने रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, 150 को माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू जो है रुपीज 30 रुपीज आपका क्या करेगा, वापस करेगा, ठीक है। आपका यहाँ वैल्यू जो होगा 30 रुपीज जाएगा, रमेश जो है शॉपकीपर को 30 रुपीज वापस करेगा। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट वैल्यू इज एग्जीक्यूटेड बाय रमेश एक्ट, इससे रमेश का कौन सा वैल्यू पता चलता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ऑनेस्टी, यानी रमेश जो है बहुत ईमानदार लड़का है या पर्सन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अकॉर्डिंग आपका 180 माइनस 150 होगा, आपका रुपीज 30 रिटर्न होगा, और क्वेश्चन सी में आपका हो जाएगा ऑनेस्टी। ये आपका क्वेश्चन ए का आंसर था, वन का आंसर था। क्वेश्चन टू, महक हरप्रीत एंड राज प्लांटेड ट्री इन देयर स्कूल एंड इट्स नेबरहुड ड्यूरिंग द वन महोत्सव सेलिब्रेशन, दे वेयर रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। महक प्लांटेड 18 ट्रीज, हरप्रीत प्लांटेड 24 ट्रीज एंड राज प्लांटेड 32 ट्रीज, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय महक टू दोज प्लांटेड बाय हरप्रीत। यहाँ देखिएगा कि महक जो है आपको 18 ट्रीज प्लांट की है और हरप्रीत जो है वो आपको 24 ट्रीज। यहाँ रेशियो निकालना है तो आपको होगा, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, महक प्लांटेड ट्रीज इक्वल टू 18, यहाँ पे आपका 18 है तो यहाँ 18 लिखेंगे, उसके बाद हरप्रीत प्लांटेड ट्रीज इक्वल टू 24, ठीक है। तो आपका रेशियो निकल जाएगा, रेशियो इक्वल टू हो गया 18:24। अगर इसको रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 3:4, ठीक है। यानी दोनों 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 जा 18 और 6 4 जा 24, 3:4 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन बी है, हाउ मैनी मोर ट्री शुड राज प्लांट सो डैट द रेशियो ऑफ ट्री प्लांटेड बाय महक डैट ऑफ राज बिकम 1:2। अब क्वेश्चन में ये है कि राज जो है वो कितना ट्री लगाएगा जिससे महक के ट्री से वो आपका 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखें सॉल्व करेंगे, ये आपका इरेज किया जा रहा है। क्वेश्चन बी, यहां लिखेंगे लेट नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड बाय राज इक्वल टू आपका एक्स हो जाएगा, यानी एक्स वो ट्री लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका सॉल्यूशन। देखिए महक का क्या है, महक का आपका यहां देखेंगे, महक का आपका 18 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 18 बाय आपका हो जाएगा, देखिए राज का कितना है 32 है, यहां लिखेंगे राज का 32, इसमें कितना ऐड करेंगे सो आपका यहां हो जाएगा 1:2 के रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। यानी 1:2 के फॉर्म में आपका हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 32 प्लस एक्स, तो आपका वैल्यू हो जाएगा एक्स इक्वल टू 36 माइनस 32, सो आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4। यानी राज जो है 4 ट्री और ज़्यादा लगाएगा तो आपका 1:2 के फॉर्म में आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उसका वैल्यू 1:2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सी है हाउ डू यू सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल, वाई शुड बी टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये हो गया कि हम लोग अपने स्कूल में वन महोत्सव कैसे मनाएंगे, तो ये अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा आंसर, जो आपको लिखने का इच्छा वो लिखेंगे। आपका सी नंबर का आंसर हो जाएगा बाय प्लांट मोर ट्रीज, ये आपका आंसर हो गया। और ये आंसर आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा बना कर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया सी का। तो ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।